है पीली गाजर, क्या आपने कभी देखी है? मैंने भी पहली बार देखी है। और ये है लाइट ऑरेंज गाजर, और ये पीली गाजर का जूस बनाया उसने, और बिल्कुल वैसे ही है जैसे लाल गाजर का होता है। कुंभ में हम पी रहे, जब आए तो पिए। तो ये आप देख रहे हैं, हम फ्रूट्स की मंडी नहीं है या दुकान नहीं है, ये वो है जो नजर करनी है। हमने लंगर करना है, हमने जो है बीवी फातिमा के नाम की ये न्याज निकाल रहे हैं। जितने भी हम लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा है, और जितने भी जिनको मैंने मैसेज करके कहा है, ये उनके लिए है। और जो देख रहे हैं, जिन्होंने ना मैंने अप्रोच किया ना उन्होंने अप्रोच किया, वो भी नियत कर सकते हैं, और ये मैं बांटूंगा और आप देखेंगे इंशाल्लाह, उसकी भी वीडियो सेंड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ेंगे देखता हूँ मैं, अभी ये लोग आए ना खवातीन, तो मैं फिर उठता हूँ। आगा शाह इस्माइल का बताने तो आप शायद ना जानते हो या जानते हो, बीबी मासूमा कुंभ के यहाँ आयाम होते हैं। बीबी फातिमा जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, और इमाम हसन हुसैन की वालदा है, और मौला अली की वाइफ है। ये उनके दिन यहाँ बीबी मासूमा कुंभ के किए जाते हैं। ये सिलसिले में न्याज, यानी कि आप लंगर समझ लें, ये जो है नज़र समझ लें, ये यहाँ आज बांटी जाएगी। हदीस गुरबत एक जगह है जहाँ पे बीबी फातिमा की पूरी लाइफ के बारे में जो है वो वहाँ एक्सप्लेनेशन दी गई होती है। डिफरेंट उनके जो बेसिक इवेंट्स थे उसके हिसाब से शो किया हुआ होता है। तो ये वहाँ पर हम आज बांटने वाले हैं, और ये अभी इब्तदा हुई है, देखें इंतहा कहाँ तक होती है। तो जुड़े रहें और देखते रहें, और जो जो आपकी मुरादें हैं, दुआएं हैं आपकी, वो कर लें, और ये इंशाल्लाह इसमें शामिल हो जाएगी। ये देखें, ये सेकंड प्रोसीजर है कि एक डब्बे में एक फैमिली के हिसाब से सारी चीज़ें कोशिश किए डालें, ताकि एक फैमिली या एक बंदा इतना खा सके कि छोटी बड़ी आवाज आ रही है मुझे, मतलब वो ये बजा रहा है, मगर ये स्टील की है, वो जो है वो ब्रास की है। ये हमारी आज की है, बस आ गया।
हम लोग तैयार हैं, आ जाओ। उस जमाने में नगाड़े होते थे, इस जमाने में ये है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना लबेक, वो वाला है। पर पता है जो रात में बज रहा था वो कुछ और था बेटा, वो दो चीजें थी ना, वो थी वो। अच्छा ये माशाल्लाह माशाल्लाह बोला नजर बस से बचा करके अपनिया पीस का लेवल ये देखो, इसी रोड पे जुलूस चल रहा है, इसी पे ट्रैफिक चल रहा है, हर आदमी अपना काम कर रहा है। पाकिस्तान होता तो 3 किलोमीटर पीछे से रोड पर होता हर आदमी अपनी उस लाइन में। वो सेकंड वाला देख इनका कितना अच्छा, ये वाला सिस्टम ये नहीं देखा मैंने। वो गजी हर जगह मिलती थी, उन लोगों के पास ही वो ऑर्डर से बनवाई थी, बनी भी वो 80-80 साल पुरानी गजी है, जो वॉइस उसमें से निकलती है किसी और में निकलती है। उसको गजी कहते हैं, ये टेटेल टेटेल से दूर वाले रोड से तुम्हें जाने वाले बारीक सी आवाज होती है। हुसैन या हुसैन, मगर ये बारीक से याद किया है, ये ऐलान जंग है कि सुबह चल रही है। हां, ये शमी आशु, हां ये सुबह चल रही है। ये वो बजा रहा है ना, वो देखो वो गोल गोल जो बजा रहा है, छोटी वाली आवाज आ रही है मुझे उसकी, साइसी कटी है जिसकी। हाँ, मगर वो सब ये बजा रहा है, मगर ये स्टील की है, ये स्टील की। हाँ, वो जो है वो ब्रास की, पाकिस्तान में जो बजा रहा है वो ब्रास है। रात में भी ब्रास की आवाज आ रही है, वो ब्रास की जो वॉइस है वो बिल्कुल अलग होती है, इसमें नहीं निकल रही। और वो ऐसे मारे ना तो खुश नहीं है, जी जी ऐसी ऐसी तरह, और उसकी आवाज बिल्कुल अलग है, बिल्कुल देखो समद भाई, ये आपने देखा था ना उधर, काशी भाई ये गाड़ी में जो आदम लेके जा रहे हैं, इसका अंदाजा है इसका वजन कितना है? नहीं, ये मिनिमम जो साइज है फराज भाई 500 होगा, ये 500 होगा, पूछा किलो ही होगा। जो यस में सबसे बड़ा आलम उठता है वो कितना वजन है? 1400 kg, एक अकेला आदमी था। ये लगता है यहाँ से उठाने से वहाँ तक चलेगा, अभी हमें लेकिन उठाएगा। अभी कशान में एक इमाम साहब गए थे वहाँ देख कर आए, बड़ा वाला। हाँ, हमने देखा था। अच्छा, पाकिस्तान में जुलूस के बीच में इस तरह बस घुसे तो अब तक तो आग लग चुकी होगी, जला दी गई। हर जगह जो आज़ादी का अपना एक रिवाज है, अपनी एक सकाफत है, उस पर चल रहे होते हैं सब। अब यहाँ पे जुलूस में ड्रम के साथ बांसुरी बजती है, अगर आप पाकिस्तान में कोई जुलूस में बांसुरी बजाए उसकी तो पूरी नस्ल मार देंगे। यहाँ पे प्रॉपर बैंड का ड्रम बजता है, पाकिस्तान में कोई बजा के देखे? वो एक अलग ही कुछ सिनेरियो था, वो उस जगह पे जहाँ से हम लोग आ रहे थे। पाकिस्तान में बचती है लेकिन खारा दबे वो शहनाई बचती है, जिसकी जो तर्ज है वो उसमें एक वो ड्रम है। Marise.
और वेवल में छोटी।